भोजपुरी बदकही प्रस्तुत करता है आपके लिए एक निवेदन। मैम क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो मतलब? इधर आओ। क्या है ये? अपने तिरंगे का अपमान? मैंने नहीं रखा इसे। हिंदुस्तानी फौजी की आंखें बाज से भी ज्यादा तेज होती है। चलो मान लिया आपने इस झंडे को यहाँ नहीं फेंका, पर उठा तो सकती थी ना। ओ फौजी सुन, ज्यादा ज्ञान मत दे, औकात में रह अपनी। अपनी औकात में ही हूँ। अगर मेरी आंखों के सामने कोई तिरंगे की बेइज्जती करेगा ना, तो आंखें निकाल लूंगा मैं उसकी। क्या सिर्फ हम फौजी का ही कर्म है तिरंगे की हिफाजत? ये कोई ऐसी वैसी चीज है क्या? अपने देश की आन बान शान है ये, और तिरंगे की हिफाजत सिर्फ फौजी का कर्म नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। अरे जाना यार, टाइम मत खराब कर, मेरा बहुत देखे है तेरे जैसे। मेरे जैसे नहीं देखे होंगे। तूने एक लड़की को थप्पड़ मारा? लड़की को नहीं मारा बल्कि बदतमीज लड़की को मारा। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि किसी बेगुनाह इंसान का अपना हाथ भी उठाया जाए, लेकिन इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि अगर कोई इंसान हमारे तिरंगे की तरफ आंख उठा करके भी देखेगा तो हिंदुस्तानी फौजी आंखें निकाल लेगा उसकी। फौजी होने का बड़ा घमंड है तुझे, और काफी क्या है तुम्हारी? घमंड नहीं, फौजी होने का बहुत ही ज्यादा घमंड है मुझे, और इतनी औकात ही मेरी काफी है। तुम जैसे लोग ना 25-30 हजार की नौकरी करके ही खत्म हो जाते हो, और देख मेरी औकात, 10 लाख की गाड़ी में घूमती हो। तुम घूमो 10 लाख की गाड़ी में, हमें 50 डिग्री गर्मी, -50 डिग्री ठंडी, तेज बारिश में भी बॉर्डर पे खड़े होकर अपने देश के लिए हंसते हंसते सीने पे गोली खाने में फक्र महसूस होता है, यही हमें सुकून देता है। तुम क्या जानो असली देशभक्त होता क्या है? सुन अब बहुत हो रहा है तेरा, तूने तो मुझे एक थप्पड़ मारा ना, मैंने तुझे 10 ना मरवाया ना, तो मेरा भी नाम हनी नहीं, मेरी दीदी यहाँ की DM है, रुक अभी बुलवाती उसे, तू बस यहाँ से भागना मत। बिना डरे सीने पे गोली खाने वाले को थप्पड़ से डरा रही हो? फौजी हूँ, 1 इंच भी अपनी जगह से पीछे नहीं हटूंगा, जिसे बुलाना है बुला ले, मैं भी तो जरा देखूं उसे अपना देश प्रेम पहले दिखता है या फिर ये बहन। रुक अभी समझ आ जाएगा। दीदी यही है वो इंसान जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। कितना मारा? 1, वो भी बहुत जोर का। कम ही मारा था। तुम एक फौजी के बारे में बुरा भला बोल रही हो, समझ में आता है ये कौन है? मैम सॉरी, बट शायद आपकी बहन कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है, इसे तिरंगे की वैल्यू समझाने की जरूरत है, इसने ये तिरंगा इधर फेंका और जा रही थी। वो फट गया तो तू रख के क्या करती? अच्छा फट गया था, 1 मिनट मैम। ये कितने का नोट है? 100 का। आप कितने का है? 100 का। अरे क्यों, फटने से इसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई? मैं भी फेंक देता हूँ इसे। बड़े शर्म की बात है, एक नोट फट जाने के बाद भी अपनी वैल्यू नहीं खोता, चाहे वो 10, 20, 50, 100, 1000 कितने का भी हो, लेकिन हमारा तिरंगा जो अनमोल है वो फट जाने के बाद अपनी वैल्यू खो देता है, लोग इसे फेंक देते हैं। वाह। अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे सब समझ में आ गया। अफसोस कि तुम्हें अब समझ आया, जबकि अपने तिरंगे की कद्र करना ये कोई समझाने की बात ही नहीं है। हम फौजी जब तुम लोगों की सुरक्षा में 20-20 किलो का वजन लेकर हमेशा खड़े रह सकते हैं, तो क्या तुम लोग एक तिरंगा नहीं संभाल सकते हम लोगों के लिए, अपने देश के लिए? इसलिए इस प्रवीण मिश्रा बुलबुल का ऐलान है कि अपने अपने घरों पर आगामी 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक झंडे को, तिरंगे झंडे को सम्मान पूर्वक जरूर फहराएं। नमस्कार।